हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्किटेक्ट मनदीप चौधरी और आप देख रहे हैं हाउस डॉक्टर्स चैनल को। तो आइए आज के हाउस की बात कर लेते हैं। आज का हाउस 25 बाय 40 फिट का है और 1000 स्क्वायर फिट का ये एरिया है। अगर इसके कॉस्ट की बात करें तो अप्रोक्स 35 लाख रुपए तक की इसकी कॉस्ट आपको आ सकती है। इसी के साथ अगर आप इसका 2D लेआउट डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो की ओर आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को बता दें कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको इसी तरह की नई नई वीडियोज मिलती रहेंगी। तो इसी के साथ आपने हाउस के फ्रंट में देख लिया होगा, आपको एक पार्किंग एरिया मिल जाता है और इस पार्किंग एरिया में आप एक कार और एक बाइक आराम से खड़ी कर सकते हैं। और हाउस के फ्रंट में आप देख सकते हैं आपको एक छोटा सा प्लांटर एरिया देखने को मिल जाएगा और ये हमारा वेंटिलेशन का भी काम करेगा। इसी के साथ हम चलते हैं हमारे घर के ड्राइंग रूम एरिया की तरफ। सामने की दीवार पर आप देख सकते हैं आपको वॉलपेपर मिल जाता है, सिटिंग अरेंजमेंट मिल जाता है। इसी के साथ आपको सामने की दीवार पर एक टीवी यूनिट भी देखने को मिल जाएगा। हाँ तो दोस्तों, अगर हम इससे आगे बढ़े तो आपको सामने डाइनिंग एरिया देखने को मिल जाएगा और इसी डाइनिंग एरिया से आपको स्टेयर सेकंड फ्लोर तक कॉन्टिन्यूस देखने को मिल जाएगी। आप इसका ड्यूप्लेक्स एरिया देख सकते हैं। इसी डाइनिंग एरिया में आपको एक हैंड वॉश के लिए वैनिटी भी देखने को मिल जाती है। तो इससे आगे बढ़े तो आपको हमारे हाउस का बेडरूम नंबर 1 देखने को मिल जाएगा। आप इसका ओवरऑल लुक देख लीजिए, आपको एक तरफ बड़ी वार्डरोब देखने को मिल जाती है, सामने आपको एक टीवी पैनल देखने को मिल जाएगा, इसी बेडरूम के साथ आपको एक ओटीएस देखने को मिल जाएगा और इसी ओटीएस से इसकी वेंटिलेशन होगी। और ओटीएस के एक साइड में आप देख सकते हैं किचन का सेकेंड डोर देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ हमने वेंटिलेशन के लिए दिया है। तो ओटीएस से जुड़ा हुआ आपको एक टॉयलेट देखने को भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हम चलते हैं हमारे घर के किचन एरिया की तरफ। आप किचन एरिया को देख सकते हैं, ये एक मॉड्यूलर किचन है और इसी किचन के बैक साइड में आपको सेकंड डोर मिल जाता है, जो कि हमने आपको पहले वीडियो में बताया था। दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़े तो हम चलते हैं हमारे हाउस के फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर पर हम ऊपर एंट्री लेते हैं। एंट्री लेते ही सामने की तरफ आपको हमारे हाउस का बेडरूम नंबर 2 देखने को मिल जाएगा। ये रूम हमारा बहुत ही स्पेशियस है। इस रूम में आप अपने बेड के साथ सोफा का अरेंजमेंट भी कर सकते हैं। इससे आगे बढ़े तो आपको फर्स्ट फ्लोर पर एक कॉमन टॉयलेट भी देखने को मिल जाता है, जो कि आप वीडियो में आगे देख सकते हैं। तो इसी के साथ आपको फ्रंट में एक बालकनी देखने को मिल जाएगी और इसकी एंट्रेंस आपको सेपरेट देखने को मिलेगी। हम इससे आगे बढ़ते हैं तो आपको हमारे घर का बेडरूम नंबर 3 देखने को मिल जाएगा। आप इसका ओवरऑल व्यू देख लीजिए और इसी के साथ आपको अटैच टॉयलेट भी मिल जाता है।
हाँ तो दोस्तों इसी के साथ हम चलते हैं हमारे हाउस के बेडरूम नंबर 4 की तरफ। आप इसका ओवरऑल लुक देख लीजिए और आपको इसमें बड़ी बड़ी वार्डरोब देखने को मिल जाएंगी और ये रूम भी आपको काफ़ी स्पेशियस देखने को मिल जाता है। इसी के साथ अभी बारी है हमारे हाउस के सेकंड फ्लोर की और सेकंड फ्लोर पर अभी हम चलते हैं। यहाँ स्टेयर से होते हुए स्टेयर के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ आपको एक स्पेशियस जगह मिल जाती है। आप इस जगह को एक स्टोर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और हम इससे आगे बढ़ेंगे तो आपको हमारे हाउस का ओपन टेरेस मिल जाता है और जो ये टेरेस की जगह है आप इस जगह को अपने हिसाब से इस्तेमाल में ले सकते हैं। हाँ तो दोस्तों इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और आप हमारे चैनल को दबा के सब्सक्राइब भी कीजिए क्योंकि इसी चैनल पर इसी तरह की आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहेंगी।